जम्मू से बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर चौकी के बाहर से गाड़ी जो है वो गुम हो चुकी है और अभी तक गाड़ी का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जसबीर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनकी वो गाड़ी थी। बेहद हैरान कर देने वाला मामला है, क्योंकि चौकी के बाहर गाड़ी लगी हुई थी और अचानक गाड़ी जो है वो गायब हो जाती। किस प्रकार से ये मामला पेश आया, इनसे बातचीत करते हैं। जसबीर सिंह, क्या कुछ हुआ है, पूरी वारदात किस प्रकार से पेश आई? मैम, मेरा नाम जसबीर सिंह है, मैं एक रोटा पंच ग्राई का रहने वाला हूँ। मेरे पास गाड़ी है बोलेरो पिकअप महिंद्रा लोड कैरी गाड़ी है। 21 मार्च को मेरे साथ जो मार कटाई होती है, कुछ लोग आते हैं जिनको मैं ना पहचानता हूँ ना जानता हूँ कुछ नहीं, और 21 मार्च को वो लोग आते हैं मेरे साथ मार कटाई करते हैं। दराटी से उन्होंने वार की है मेरे बाजू पे, बात गर्दन पे आया था, लेकिन चलो बहुत भगवान की वजह से बच गया मैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि गाड़ी मेरी बरामद होती है, मिलती है गाड़ी हमें 4 अप्रैल को हमें गाड़ी मिलती है। जब गाड़ी चोरी हुई थी उसके 8 दिन बाद मेरा पर्चा लगा, जो FIR मेरी 8 दिन के बाद लगी थी। तुरंत उस टाइम FIR मेरी नहीं लगी थी। तो फिर क्या हुआ कि जैसे गाड़ी बरामद हुई गाड़ी, उसके बाद हमने गाड़ी इनको दे दी। जब बड़ी ब्राह्मणा में गाड़ी मिली तो हमने जो मेरा केस इंचार्ज है, गाड़ी मिल चुकी है, गाड़ी मिल गई थी पहले 4 अप्रैल को गाड़ी मिल गई थी। और उसके बाद हमने क्या किया, ये इनको इन्फॉर्म किया, जो मेरे केस के इंचार्ज हैं उनको मैंने इन्फॉर्म किया कि भाई ऐसे ऐसे उधर गाड़ी लगी हुई है, क्यों मेरे को किसी जो अपने जान पहचान वाले बंदे थे उन्होंने मुझे शक के तौर पे बोला मुझे कि भाई कि आपकी गाड़ी हो सकता है कि उधर लगी हो। मैं ठीक है, तो मैंने उससे फोटो मंगवाया अपनी गाड़ी का, मैंने पहचानी गाड़ी, मैंने उसको बोला कि भाई जी मेरी गाड़ी है, बोलना ठीक है आप इसको भेजो। तो मैंने इनको भेजा कि जो हमारे केस के इंचार्ज हैं विनोद कुमार, मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे गाड़ी लगी है तो आप गाड़ी उधर से लेके आ जाओ। गाड़ी मंगवाई हमने इधर पुलिस चौकी में जी, 8 तारीख को गाड़ी पुलिस चौकी में आई और 12 तारीख को 12 अप्रैल गाड़ी फिर से मिसिंग हो जाती है। बल्कि मेरे पास 15 तारीख को रिलीजिंग ऑर्डर आता है कि अब आपकी गाड़ी रिलीज हो गई है तो आप ले जाओ। तो जब मैं उधर जाता हूँ तो उधर जो मुझे बोलते हैं कि भाई आपकी गाड़ी मिसिंग हो गई है, तो अभी नरवा पुलिस कहती है। और अभी हम उनको यही चीज़ है कि देखो अब मेरे 10-12 लाख की गाड़ी है, लोन पे गाड़ी है, अगर किस्त आती है मेरी 15,000 रुपये मंथली आती है, एक महीना हो गया, दूसरा महीना बैंक वाले में इस कहां से दूंगा, मैं अपना खर्चा कहां से लाऊंगा, गरीब बंदा हूं मैं। रिलीजिंग तो पुलिस वाले बना के देते हैं कि आप कोर्ट से रिलीजिंग ऑर्डर लेके आओ। हाँ, तो फिर कोर्ट से जब मुझे रिलीजिंग ऑर्डर मैं कोर्ट से लेके आया ना जी, 15 तारीख को रिलीजिंग ऑर्डर तभी आता जब गाड़ी बरामद होती है। हाँ जी हाँ जी, गाड़ी बरामद हो गई थी, गाड़ी बरामद हो गई, चौकी भी लगाई थी उनके अंडर में, चौकी भी गाड़ी होती है। तो क्या कह रहे हैं, नहीं है आज वो बोल रहे हैं गाड़ी मिसिंग हो गई है 12 तारीख की, फिर से मिसिंग होगी। हाँ जी, नरवाल चौकी से जी 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 जी, चौकी से गाड़ी फिर से मिसिंग हो गई है। तो अभी ये है कि मैं कहाँ से लूंगा, मतलब कि इतना मैं कैसे लोन है मेरी गाड़ी पे 7 लाख रुपए केस है गाड़ी का, तो मैं कहाँ से लाऊंगा। तो पुलिस के पास अभी गए तो उन्होंने क्या कहा? पुलिस के पास मैं गया था, उन्होंने बोला कि गाड़ी अभी मिसिंग हो गई है तो हम ढूंढ रहे हैं। और जो गाड़ी मिली थी, हाँ गाड़ी मिली थी, गाड़ी हम खुद हमने उनको जब गाड़ी दरअसल मुझे किसी बंदे ने बोला था कि आपकी गाड़ी इधर लगी हुई है, तो मैंने उससे प्रोसेस होता है रिलीजिंग ऑर्डर जब बनता है, जब गाड़ी आती है तो थाने वाले ये अश्योर करते हैं कि गाड़ी हमारे पास है, आप आ गई है, तो थाने वालों ने आपको अश्योर किया तभी तो कोर्ट से बना होगा रिलीजिंग ऑर्डर। थाने वालों ने जो मतलब कि जो आपको रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट इन्होंने वकील के हाथ में दे दी थी 10 तारीख को, तो फिर 15 बीच में छुट्टियां आ गई, 15 तारीख को मेरा रिलीजिंग ऑर्डर बना और 12 अप्रैल को गाड़ी मिसिंग हो जाती है उधर से फिर से। हाँ जी, तो काफी हैरान कर देने वाला, पहले भी चौकी से ही मिसिंग हुई? नहीं, पहले गाड़ी पेट्रोल पंप से मिसिंग हुई थी, पेट्रोल पंप से, और अब चौकी से मिसिंग, अब चौकी से गाड़ी मिसिंग हो गई है। अभी जब चौकी से गाड़ी मिसिंग हो गई, आप मुझे बताओगे, देखो गाड़ी का पहले जो गाड़ी कितना लोन लिया हुई थी, मेरा लोन है इस टाइम 6.5-7 के रेंज में होगा,
जो केस है गाड़ी का जी। और इस टाइम गाड़ी पड़ती है 11 लाख, गाड़ी ऑन रोड पड़ती है वो 11 लाख की गाड़ी। क्या कहा जा रहा है, रिलीजिंग वो भी मिल गया आपको? रिलीजिंग ऑर्डर मिल गया, बट मेरे पास गाड़ी नहीं आई है, गाड़ी नहीं मिली मेरे को। अब मेरे को गाड़ी नहीं मिली है, मैं अपना सर्कल आगे से कैसे चलाऊंगा? गाड़ी की किस्त भी है, EMI कहाँ से दूंगा मैं? चौकी पर गए आप जी? चौकी पर मैं परसों गया था, उन्होंने बोला कि हम गाड़ी ढूंढ रहे हैं। उन्होंने बोला हम गाड़ी ढूंढ रहे हैं, तो अब मिलेगी बता देंगे। तो अभी तक गाड़ी का कोई पता नहीं। एक बार घूमी फिर मिली, उसके बाद फिर से चौकी के बाहर से गुम? हाँ जी हाँ जी, फिर से गाड़ी चौकी के बाहर से गुम हो गई गाड़ी। तो अभी तक पता कोई नहीं है, ना कोई मुझे फोन आया ना। अब खर्चा कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं? मैम खर्चा देखो ना, अभी मैं खर्चे का आदमी मिल जाएगी कि ना कुछ पैसा। जो जो एक मेरा सोर्स साफ था, मतलब मैंने अपना रोजगार बनाया हुआ था, तो अभी ये है कि वो खत्म हो गया। ऊपर से गाड़ी का किस्त भी है, मेरे घर का खर्चा भी है, तो मैं कैसे उठाऊंगा उसको? कहाँ से दूंगा मैं इतना पैसा? मैं अभी एक ड्राइवर बनता हूँ, मेरे पास कुछ अगर कोई नौकरी वाला हो या कुछ मतलब बिजनेस हो, वो तो नहीं है। और मैं घर से गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये भी नहीं है कि नहीं कोई पीछे कोई सपोर्ट होगी, वो भी नहीं है। हाँ जी, तो अभी ये है कि मैं ये अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ हो, इंसाफ। कितने दिन हो चुके हैं? इंसाफ किया जाए बस। कितने दिन हो चुके हैं? अभी मैम आज क्या तारीख है, 16-17 तारीख है। 12 को मेरी गाड़ी चोरी हो गई, 15 को मेरे पास। पहले कितनी तारीख को चोरी हुई थी? पहले होगी थी 21 मार्च को। 21 मार्च को, उसके बाद कितने को मिली? 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल, 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल जी, और आपका मिसिंग हुई 12 को। 12 को, 12 अप्रैल को। मैम अगर थाने में गाड़ियां लगी होती हैं, चौकी पे गाड़ियां हम देखते हैं, कहीं और भी देखते हैं आगे पीछे की गाड़ियां लगी हैं, पुरानी हो जाती हैं, 6-6 महीने 7-7 लगी जाती हैं। मेरी गाड़ी 8 दिन में नहीं रुकी उधर, 8 दिन के बाद मेरी गाड़ी मिसिंग हो जाती है, आगे सोचने वाली बात है। जे भी हैरान। पहले पेट्रोल पंप कहां से गाड़ी? नरवाल से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये साफ तौर पर आपने देखा कि किस प्रकार से बेहद ही हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां पर इनका कहना है कि सबसे पहले नरवाल के पेट्रोल पंप से गाड़ी जो है वो चोरी हो जाती है, और उसके बाद जो है वो किस तरीके से, यानी कि गाड़ी जो है वो मिलती है, और मिलने के बाद फिर से नरवाल के चौकी से जो है वो गाड़ी गायब हो जाती है। और देखिये जसबीर सिंह ये है, और इस समय काफी ज्यादा ये परेशान है, क्योंकि इनका कहना है कि उसी से लोड कैरियर से ये अपना घर खर्च निकालते थे, और अभी तक जो है वो गाड़ी का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला है। रिलीजिंग ऑर्डर भी इनके पास है, लेकिन गाड़ी जो है वो फिर से चोरी हो चुकी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमित थापर के साथ शिल्पा शर्मा जम्मू।